नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल एस्ट्रो गोपी में। और आज हम बात करेंगे नवरात्रि 2023 शारदीय नवरात्रि में कलश स्थापना के लिए 46 मिनट का ही मुहूर्त। जाने सभी तिथियां शारदीय नवरात्रि 2023। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि का आरंभ रविवार 15 अक्टूबर 2023 से हो रहा है। ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अनीश व्यास से जाने घट स्थापना मुहूर्त, माता के आगमन और प्रस्थापना की सवारी और उनका महत्व। शारदीय नवरात्रि 2023 कब है? एक वर्ष में दो बार 6 माह की अवधि में के अंतराल पर नवरात्रि आती है। माँ दुर्गा को समर्पित यह पर्व हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रत्येक वर्ष अश्विन मास में शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि का आरंभ होता है। पूरे 9 दिनों तक माँ आदि शक्ति जगदम्बा का पूजन किया जाता है। ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अनीश व्यास ने बताया है कि इस वर्ष शारदीय नवरात्रि का आरंभ रविवार 15 अक्टूबर 2023 से हो रहा है। 2023 में शारदीय नवरात्रि कब से शुरू होगी? ज्योतिषाचार्य ने बताया है कि हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व है। माँ दुर्गा की उपासना का पर्व साल में 4 बार आता है, जिसमें 2 गुप्त नवरात्रि और 2 चैत्र व शारदीय नवरात्रि होती है। शारदीय नवरात्रि अश्विन मास माह के शारदीय नवरात्रि अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है। नवरात्रि की शुरुआत रविवार 15 अक्टूबर 2023 से होगी। 23 अक्टूबर 2023 को नवरात्रि समाप्त होगी। वही 24 अक्टूबर विजयदशमी या दशहरे का पर्व मनाया जाएगा। शारदीय नवरात्रि 2023 कलश स्थापना सोमहर। ज्योतिषाचार्य ने बताया है कि पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि को यानी पहले दिन कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 15 अक्टूबर को 11:44 से दोपहर 12:30 तक रहेगा। ऐसे में कलश स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त इस साल 46 तक ही रहेगा। घट स्थापना तिथि रविवार 15 अक्टूबर 2023। घट स्थापना मुहूर्त प्रथा 6:30 से प्रथा 8:47 तक। अविभाजित मुहूर्त सुबह 11:44 से दोपहर 12:30 तक। अविभाजित मुहूर्त में देवी की स्थापना सबसे शुभ मानी जाती है। नवरात्रि के 9 दिन का महत्व। शारदीय नवरात्रि इम्पोर्टेंट। ज्योतिषाचार्य ने बताया है कि अश्विन मास में पड़ने वाली शारदीय नवरात्रि का पर्व काफी धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें माँ दुर्गा की प्रतिमाएं विराजित की जाती हैं, साथ ही कई स्थानों पर गरबा और रामलीलाओं का आयोजन किया जाता है। इस 9 दिन के महापर्व के पहले दिन घट स्थापना की जाती है और माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा भी की जाती है। अखंड ज्योति जलाई जाती है। हर स्वरूप की अलग प्रतिमाएं होती है। आदि शक्ति जगदम्बा के हर स्वरूप से अलग अलग मनोरथ पूर्ण होते हैं। यह पर्व नारी शक्ति की आराधना का पर्व है। नवरात्रि के 9 दिनों में व्रत भी रखा जाता है। पूरे नियमों के साथ माँ दुर्गा की आराधना की जाती है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के आगमन की सवारी शुभ। शारदीय नवरात्रि 2023 माता की सवारी। ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अनीश व्यास ने देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि महालया के दिन जब पितृगण धरती से लौटते हैं, तब माँ दुर्गा अपने परिवार और गणों के साथ पृथ्वी पर आती है। जिस दिन नवरात्रि का आरंभ होता है, उस दिन के हिसाब से माता हर बार अलग अलग वाहनों से आती है। माता का अलग अलग वाहनों से आना भविष्य के लिए संकेत भी होता है, जिससे पता चलता है कि आने वाला साल कैसा रहेगा। इस साल माता का वाहन हाथी होगा, क्योंकि नवरात्रि का आरंभ रविवार से हो रहा है। इस विषय में देवी भागवत पुराण में इस प्रकार लिखा गया है कि रविवार और सोमवार को नवरात्रि आरंभ होने पर माता हाथी पर चढ़कर आती है, जिससे खूब अच्छी वर्षा होती है, खेती अच्छी होगी, देश में अन्य धन का भंडार रहेगा। माँ दुर्गा के वाहन और उनका महत्व। माँ दुर्गा के वाहन और उनका महत्व।
ज्योतिषाचार्य ने बताया है कि यूं तो माता दुर्गा का वाहन सिंह को माना जाता है, लेकिन इस हर साल नवरात्रि के समय तिथि के अनुसार माता अलग अलग वाहनों पर सवार होकर धरती पर आती है। यानी माता सिंह की वजह दूसरी सवारी पर सवार होकर भी पृथ्वी पर आती है। माता दुर्गा आती भी है वाहन से है और जाती भी वाहन से ही है। नवरात्र का विशेष नक्षत्रों और योगों के साथ आना मनुष्य जीवन पर खास प्रभाव डालता है। ठीक इसी प्रकार कलश स्थापना के दिन देवी किस वाहन पर विराजित होकर पृथ्वी लोक की तरफ आ रही है, इसका भी मानव जीवन पर विशेष असर होता है। अगर नवरात्रि का आरंभ सोमवार या रविवार को हो तो इसका मतलब है कि माता हाथी पर आएगी। शनिवार और मंगलवार को माता अश्व यानी घोड़े पर सवार होकर आती हैं। गुरुवार या शुक्रवार को नवरात्रि का आरंभ हो रहा हो तब माता डोली पर आती है। बुधवार के दिन नवरात्रि पूजा आरंभ होने पर माता नाव पर अरुण होकर आती है। देश पर पड़ेगा यह असर। ज्योतिषाचार्य ने बताया है कि धार्मिक मान्यता के अनुसार नवरात्रि में जब माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती हैं, तो यह बेहद शुभ माना जाता है। हाथी पर सवार होकर माँ दुर्गा अपने साथ ढेर सारी खुशियां और सुख समृद्धि लेकर आती हैं। माँ का वाहन हाथी ज्ञान और व समृद्धि का प्रतीक है। इससे देश में आर्थिक समृद्धि आएगी, साथ ही ज्ञान की वृद्धि होगी। हाथी को शुभ का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में आने वाला यह साल बहुत ही शुभ कार्य होगा। लोगों के बिगड़े काम बनेंगे। माता रानी की पूजा अर्चना करने वाले भक्तों पर विशेष कृपा बरसेगी। शारदीय नवरात्रि 2023 तिथियां। शारदीय नवरात्रि 2023 तिथियां 15 अक्टूबर 2023 मां शैलपुत्री पहला दिन प्रतिपदा तिथि, 16 अक्टूबर 2023 मां ब्रह्मचारिणी दूसरा दिन द्वितीय तिथि, 17 अक्टूबर 2023 मां चंद्रघंटा तीसरा दिन तृतीय तिथि, 18 अक्टूबर 2023 मां कुष्मांडा चौथा दिन चतुर्थी तिथि, 19 अक्टूबर 2023 मां स्कंद माता पांचवा दिन पंचमी तिथि, 20 अक्टूबर 2023 मां कात्यायनी छठा दिन षष्ठी तिथि, 21 अक्टूबर 2023 मां कालरात्रि सातवा दिन दुर्गा अष्टमी, 23 अक्टूबर 2023 महानवमी नौवा दिन शरद नवरात्रि व्रत पारायण, 24 अक्टूबर 2023 माँ दुर्गा प्रतिमा विसर्जन दशमी तिथि दशहरा। जय माता दी।